आप देख रहे हैं लोग बैठना शुरू हो गए हैं। अब से लगभग दो घंटे बाद ये समारोह शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेनी है। अमन वहां पर मौजूद है। अमन, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल किशोर, देखिए इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद हैं। ये तस्वीर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं। हम लोग अंदर उस प्रांगण की तरफ बढ़ते हुए, मैं हूँ, मेरे साथ अमिताभ जी हैं, पीछे एनएसजी कमांडोज आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। हम लोग इस वक्त जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है इस वक्त बढ़ते हुए लाइव है हम लोग, क्योंकि अब मेरे ख्याल से और पौने दो घंटे का समय और आ गया। 7:15 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम वो शुरू होने वाला है। अमिताभ जी है मेरे साथ। अमिताभ जी, राष्ट्रपति भवन में हम और उस इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं, आप बताइए भाई। अमिताभ जी है मेरे साथ। बिल्कुल, देखिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और कितने सारी कैटेगरीज बनी है, लेकिन यहाँ भीड़ जुटना 2-3 घंटे पहले इतने भी लोग यहाँ पर मोदी जी का रिकॉर्ड तीसरा टर्म देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हम भी खुद यहाँ राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़कर लगातार तीसरी बार जी यहाँ पर लाइव हम लोग हैं। और यहाँ से अब हम जो है जो अलॉटेड जो एरियाज है वहां पर भेजा जाएगा। यहाँ पर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर आप देख पाएंगे सिक्योरिटी चेकअप जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपीज के पहुंचने का जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है यहाँ पर। हालांकि मीडिया और जो डिग्निटरीज है उनकी एंट्री है। यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगा और उसके बाद जो है हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। किशोर, 7:15 बजे का समय है, 7:15 बजे, लेकिन उससे पहले असेंबल होने के लिए कह दिया गया था कि 5:30 जी पास ये है। अब हम सिक्योरिटी यहाँ पर चेक होती हुई, ये देखिए आप, ये लाइव है जो पासेज है उसको दिखाते हुए। ठीक है सर, प्लीज जी। ये बोतल अलाउ नहीं पाने की, आपके आदमी सीधे आ गया तो चल जाएगा। यहाँ पर ये डेजिग्नेटेड एरिया है, ये वो डेजिग्नेटेड एरिया है, ये देखिए आप, चेकिंग हो गई हमारी, ये देखिए अमिताभ जी, चेकिंग हो गई हमारी, काफी सिक्योरिटी है, मेहनत बहुत लग रही है जी। सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, क्योंकि देखिए इतिहास बनते हुए हम लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर ये सिक्योरिटी, ये सिटिंग है, ये एक्सक्लूसिव आप देखेंगे, ये देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है। इसी तरह से 8,000 के करीब जो मेहमानों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर है, और यहीं से हम आगे बढ़ते हुए किशोर जी। अमन जो दिख रहा है यहाँ से तस्वीरें, उधर राष्ट्रपति भवन की भी तस्वीरें दिख रही हैं सामने। अमन और बाकी हमारे साथी भी वहां पहुंच चुके हैं। 8,000-9,000 लोग लगभग ये अंदाजा है यहाँ पर गवाह बनेंगे इस ऐतिहासिक क्षण का। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के, अजीत पवार गुट के, वो कुछ कह रहे हैं, उनसे सुनते हैं। इन्फॉर्मेशन दैट वी आर आर पार्टी विल गेट MOS इंडिपेंडेंट चार्ज, दैट पोजिशन विच देवेंद्र जी टूडे ऑल्सो क्लैरिफाइड बिफोर ऑल ऑफ यू, दैट इट इज इन लाइन विथ वॉट वॉज बींग ऑफर्ड टू आवर अदर अलायंस पार्टनर ऑल्सो। द ओनली डिफरेंस इज myself having been a cabinet minister in the union government before, I did have a reservation to accept a MOS independent charge as it would be for me personally coming down or demotion. So we have informed the Bharatiya Janata Party leadership and they have already told us that just wait for a few days, we will make remedial measures. Now if that is the line they have taken, it does not mean that we should say all this immediately, that there is some problem or there is some reason why. Devendra ji himself has clarified this. But I want to understand one thing from you, sir. Had you got this position, Maharashtra would have benefited, sir. Maharashtra would have benefited. Tisranda shapath ghetat ani trailer hoto to ata purna cinemat badal hoil ani Maharashtrat mahayuti Shivsena Rashtravadi Congress Bhajap जोरदार एकात हाथा हाथ घेऊन आघाडी मारेल। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार गुट एनसीपी के, जिनका कहना है कि उनको जो उनकी पार्टी को जो मंत्री पोजीशन ऑफर की गई वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री की इंडिपेंडेंट चार्ज की ऑफर की गई, कैबिनेट मंत्री की पोजीशन ऑफर नहीं की गई, जबकि वो खुद पहले एक कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और उन्हीं का नाम संभवतः भेजा गया अजीत पवार गुट की तरफ से कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए प्रफुल्ल पटेल को।
प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि वो क्योंकि कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं इसलिए वो राज्य मंत्री की पोजीशन लेना उनके लिए संभव नहीं है, और बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि अभी कुछ दिन वेट कीजिए, इसमें कुछ संशोधन हो सकता है। सुनिए उन्होंने कहा क्या।